जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, दैट इज हेल्थ। नाउ एज यू ऑल नो, हेल्थ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में होती है, एंड इफ़ वी आर कीपिंग अ गुड हेल्थ और इफ़ वी आर हेल्दी देन वी आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज ऑल्सो। ओके, नाउ फर्स्ट लेट सी वॉट इज़ हेल्थ। हेल्थ होता क्या है, हाउ हेल्थ इज़ डिफाइंड। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज अ हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नाउ वॉट डज दिस मीन कि हेल्थ जो है, अगर हम बोलते हैं सपोज वी से कि somebody is having a good health, कि कोई भी है वो हेल्दी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिजिकली मेंटली और सोशली फिट है। सो हेल्थ जो है इट एक तरह की स्थिति है, इट इज़ अ स्टेट वेयर देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन फिजिकल मेंटल एंड सोशल। ओके, सो तीनों ही चीज़ों में बैलेंस होना, या जब आप तीनों ही चीज़ों में फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं एंड सोशली फिट हैं, देन ओनली इट विल बी टर्म्ड कि यू आर हेल्दी, यू आर कीपिंग अ गुड हेल्थ। ओके, नाउ फिजिकल मींस फिजिकल फिटनेस आता है, जहाँ पे यू शुड टेक न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस्ड डाइट। मेंटल में कैसे होता है, सपोज़ कि यू डोंट हैव एनी डिजीज़। ओके, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप बोलोगे मैं तो ठीक हूँ, आई एम हेल्दी बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी डिजीज़। बट नो, इट्स नॉट ट्रू। इफ़ यू डोंट हैव एनी डिजीज़, सो यू कैन बी डिजीज़ फ्री बट यू कांट बी हेल्दी। ओके, सो दीज टू आर द डिफरेंट आस्पेक्ट्स। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आपको डिजीज़ नहीं है कोई भी, सो ओके फाइन, आपको डिजीज़ नहीं है, सो दैट मीन्स कि यू आर डिजीज़ फ्री, बट इट डजंट मीन कि आप हेल्दी हो। ठीक है, डिजीज़ ना होना इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट एंड हेल्दी होना इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट। हेल्दी जब ही आप हैं, जब आप फिजिकली मेंटली हर तरीके से फिट हैं। ओके, आपको डिजीज़ तो नहीं है, पर हो सकता है आपको कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है आप इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, सो यू आर मेंटली नॉट फिट। ओके, दैट मीन्स कि यू आर नॉट हेल्दी, बिकॉज व्हाई, बिकॉज हेयर देयर इज़ अ मेंटल प्रेशर। ओके, सो मेंटल आ गया कि यू आर मेंटली साउंड, आप मेंटली भी बिल्कुल फिट हैं। ओके, आपको कोई मेंटल टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। सोशल वेलबींग मींस यू आर कीपिंग गुड रिलेशंस विद योर नेबर, विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो सोशल रिलेशन भी आपका, सोशल सर्कल जो है वो आपका बहुत अच्छा है, देन ओनली यू आर हेल्दी। ओके, सो व्हेन पीपल आर हेल्दी, दे आर मोस्ट एफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ओके, जब हम हेल्दी होते हैं तो क्या होता है कि हम अपने काम को और एफिशिएंसी से करते हैं। ठीक है, जो आउटपुट होता है वो और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी, जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर हम अच्छा रिजल्ट देते हैं, एंड बट नेचुरल इट विल ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लाइफ लॉन्ग एंड रिड्यूसेज इन्फेंट एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी। ओके, इफ़ यू आर कीपिंग अ गुड हेल्थ देन यू विल लिव लॉन्ग, हमारी लाइफ लंबी होगी। ओके, इन्फेंट और मोर्टेलिटी रेट भी जो है, मरने का रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। ओके, द गुड हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाय बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो दीज आर द कीज फॉर कीपिंग अ गुड हेल्थ। ये की है, ये एक चाबी है कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो। आप बैलेंस डाइट लो, ओके, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, देन यू विल हैव अ गुड हेल्थ। नाउ हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। नाउ हाउ
वी विल से इफ वी आर नॉट हेल्दी और वी आर अनहेल्दी, दैट मीन्स कि या तो हमको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मीन्स कि कोई डिसऑर्डर जो कि हमको पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो गया है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वी आर सफरिंग फ्रॉम सम इन्फेक्शन, ओके। सो ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स हेल्थ कैन बी अफेक्टेड। लाइफ स्टाइल, ओके, देन द थर्ड थिंग इज दैट अबाउट योर लाइफ स्टाइल, आपकी कैसी लाइफ स्टाइल है, इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ लाइफस्टाइल के बारे में मतलब हुआ कि आप क्या खाते हो, कितने बजे सो के उठ रहे हो, या कोई ड्रग्स लेते हो, ओके, किस तरह का आपके घर के आसपास का इन्वायरमेंट है, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड योर लाइफस्टाइल। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थ्री थिंग्स इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। सो इन ऑर्डर टू गेट अ गुड हेल्थ वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ओके। सो अगर आप हेल्दी नहीं हैं, दैट मीन्स कि आप डिजीजेस से इन्फेक्टेड हैं, और डिजीजेस भी बहुत तरह की होती हैं, इट कैन बी इन्फेक्शियस, इट कैन बी नॉन इन्फेक्शियस, इट कैन बी कंजेनाइटल, इट कैन बी क्रॉनिक, इट कैन बी एक्यूट, ओके। सो देर इज़ अ देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ डिजीजेज ऑल्सो ड्यू टू विच यू कैन सफ़र फ्रॉम गुड हेल्थ, ओके। और वो डिजीजेस किस किस तरह की होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। So this is all, student. Thank you, everybody.